कल रात को मैं सो रही थी और सोई, सडनली मुझे एक झटका हुआ। मैंने कहा कौन है, कौन हो? तो मैंने कहा मैं सुशांत। और भाई इस साल वीडियो डालने का कोई प्लान नहीं है क्या तेरा? अबे यार डालूंगा यार वीडियो, थोड़ा वेट कर लो। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइपिंग फेम। तो बेसिकली यार मैं एक महीने से वीडियो नहीं डाल रहा था, एंड द लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो थी खाली रास्ते, जो कि था मेरा म्यूजिक वीडियो जिसपे बहुत ही टट्टी रिस्पॉन्स आया लोगों का। बट यार देखो, वो गाना मैंने डाला था क्योंकि मुझे अपने चैनल पे ऑडियंस चाहिए थी। बट यार ऑडियंस के साथ काफ़ी सारी टट्टी भी आ गई चैनल पे, आई मीन काफ़ी सारे डिसलाइक्स आ गए चैनल पे। और यार मतलब मुझे दुख नहीं है इस बात का। हाँ, तो मैं जैसा बोला था कि मुझे दुख नहीं है इस बात का, बट यार एक ही प्रॉब्लम है कि यार मैं उसके बाद थोड़ा बिजी हो गया मेरे काम में। आई मीन बहुत सारा काम था। तुम्हें नहीं बता दूँ, तुम जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, मतलब लग मारना भाई तेरे से कोई सीखे। हाँ तो यार अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितनी सारी चीजें एक साथ हैंडल करता हूँ। ओके, सो बेसिकली यार मुझे अपने बारे में बात ही नहीं करनी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट बॉलीवुड नेपोटिज्म। सो बेसिकली यार आज की वीडियो में इस बारे में मैं क्यों बात करने वाला था। हाँ तो यार बेसिकली मैंने एक चीज नोटिस की है, और बहुत लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा कि यार मतलब कोई भी सेलिब्रिटी अगर मरता है ना, तो मतलब उसके मरने के बाद ही उसके इंस्टा फेसबुक फॉलोअर्स मतलब यहाँ से यहाँ उड़ जाते हैं। तो यार मतलब लोगों का लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं आता है, लाइक मतलब किस टाइप की माइंडसेट है उनकी, वो बहुत जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओ, इरफान खान की डेथ हो गई, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेता हूँ, क्या पता कुछ पोस्ट कर दे। ओ, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली, एक काम करता हूँ करण जौहर को अनफॉलो करके सुशांत सिंह राजपूत को फॉलो कर लेता हूँ, क्या पता कुछ पोस्ट कर दे। ओ, ऋषि कपूर की डेथ हो गई, एक काम करता हूँ जाके उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेता हूँ, क्या पता कुछ पोस्ट कर दे। ओ फक यार, ऋषि कपूर का तो इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं है। तो यार मतलब सीरियसली मैं यही बात बोलने वाला हूँ कि मतलब प्लीज हैव सम ब्रेन्स। अगर कोई मतलब तुम वो जिंदा था तब तुमने उसे फॉलो नहीं किया, अभी वो मतलब क्या यार, क्या फायदा है तुम्हें उसे फॉलो करके, मतलब सीरियसली वो कुछ पोस्ट करने वाला है क्या? एक तो यार मुझे लगता है ना कि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड या पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने बैठता हूँ, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन मेरे घर के सामने आ जाती है। अबे साले, तो यार जब से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है तब से मैं पिछले एक हफ्ते से इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर हर जगह सुशांत सिंह राजपूत को ही देख रहा हूँ। आई मीन ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है, लोग पिन पॉइंट कर रहे हैं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ होगा वैसा होगा। तो यार इनिशियली जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था तो मुझे खुद भी बहुत बुरा लगा था, और मैंने खुद भी RIP की स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे। नहीं, मुझे कूल नहीं दिखना था, मैं लिटरली बहुत बड़ा फैन था सुशांत सिंह राजपूत का, और हर बार की तरह मीम पेजेस ने भी इस टाइप की स्टोरीज और पोस्ट अपलोड किए थे RIP सुशांत लिख के। तो यार मुझे लगा कि ठीक है यार ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, और आई डोंट थिंक सो कि मतलब इस चीज़ को इतना ज़्यादा इलैबोरेट या बढ़ाने की ज़रूरत थी। लोग लिटरली अटैक कर रहे हैं आलिया भट्ट, करण जौहर, आई मीन ये चीज़ गलत नहीं है, बिकॉज पीपल आर स्टैंडिंग अगेंस्ट नेपोटिज्म, बट बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो यार तुम लोग। मतलब एक एक्टर की जान चली गई, इसके बाद तुम इन सारी चीज़ों पे आके क्या ही कर लोगे। ऑल्सो इफ यू आर सपोर्टिंग और बींग अगेंस्ट ऑफ नेपोटिज्म, दैट्स ओके, 100% ओके। बट यार अब ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, इंस्टाग्राम पे ऐसे पोस्ट चल रहे हैं, मतलब लोग खुद को CBI का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हेड समझ चुके हैं। मतलब इस टाइप की इंस्टाग्राम पोस्ट मुझे देखने को मिल रही है, और काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज भी मीम पेजेस अपलोड कर रहे हैं जो कि मतलब जिसमें लैक्स में शेयर्स आ रहे हैं। तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार तुम लोग गधे हो, लाइक सीरियसली गधे हो, आई एम रियली सॉरी बट तुम लोग सब गधे हो, क्योंकि यार मतलब क्या कर रहे हो यार, कुछ बी लॉजिकल। और तुम लोग खुद सोचो कि यार पुलिस का क्या काम है, पुलिस यार मतलब ऐसी बैठी हुई है, मतलब असली केसेस तो आज तक दुनिया में हमारे मीम पेजेस ने सॉल्व किया है। आई मीन हमारे ओसामा बिन लादेन को भी तो मतलब मीम पेजेस ने ही मारा था, मतलब समझ रहे हो, हमारे बॉर्डर पे भी मीम पेज के एडमिन से खड़े रहते हैं। ऑल्सो आई हैव सीन कि लोग जाके आलिया भट्ट, करण जौहर इन सारे के कमेंट सेक्शंस भर दे रहे हैं। तो मतलब यार तुम क्या खुद को समझते हो मुझे पता नहीं। एक ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम पे वीडियो के कमेंट्स ऑफ करना, तो वो आराम से वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़,
वो अपने DMs को नहीं चेक कर सकते। दैट्स प्रिटी सिंपल। मैंने बहुत सारे एक्टर्स के ट्विटर हैंडल्स चेक किए, बहुत सारे एक्टर्स के मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज देखे, एंड दे आर टेलिंग कि यार मतलब उन्हें इफेक्ट पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स को भी गालियाँ पड़ रही है। तो यार मतलब तुम लोग इतने साल कहाँ पे थे? सबकी बुद्धि अभी खुल रही है। इतने साल तुम लोग ही वो हो जो लोग करण जौहर के मूवीज देखते थे, आलिया भट्ट के मूवीज देखते थे, एंड इन जैसे कितने नेपोटिज्म किड्स के तुम वीडियोस देखते थे। और आज के टाइम पे जस्ट बिकॉज तुम्हारा एक चहिता एक्टर मर गया है, तो जाके तुम अभी उसको उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो यार यू आर ऑलरेडी वेरी लेट। और अब इस चीज़ का आई डोंट थिंक सो कोई फायदा है। ऑल्सो ये जो ट्रेंड है हैशटैग सुशांत सिंह राजपूत वाला, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम और एक हफ्ता चलेगा, उसके बाद लोग अपना काम करने लग जाएंगे। बिकॉज किसी के पास इतनी फुर्सत है नहीं कि वो रोज जाके आलिया भट्ट के कमेंट में जाके लिखे कि हाँ तुम ये गलत हो, तुम नेपो किड हो। मतलब इतने दिन बाद लोगों को ये सारी चीजें क्यों याद आ रही है। आलिया भट्ट ने फोटो पोस्ट की है, गाली जरूर देना है। आप बिरयानी? तो यार अल्टीमेटली ये वीडियो बनाने का बस एक ही मेरा टारगेट था, वो ये था कि तुम लोग समझो यार कि मतलब ये स्टार किड्स जो हैं या जो भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, और इनका स्ट्रेस बहुत अलग लेवल का होता है। लाइक सबका स्ट्रेस अलग होता है। छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे को अपने होमवर्क का टेंशन है, फिर ऑफिस जाने वाले को अपने काम का टेंशन है, तो हर एक बंदे को अपने एज के हिसाब से अलग टेंशन है। सो तो यू डोंट नो कि उसके साथ क्या चल रहा था। सो स्टॉप मेकिंग अजम्पशंस कि उसने बॉलीवुड की वजह से सुसाइड कर लिया। अगर उसने नोट पे कुछ लिखा होता तो ज़रूर से बोल सकते थे। सो जस्ट स्टॉप मेकिंग अजम्पशंस, एंड हाँ ज़रूर से यार नेपोटिज्म के अगेंस्ट खड़े रहो, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट हाँ ऑब्वियसली लिमिट में रहो यार। मतलब गालियाँ देके, उनके पेरेंट्स को गालियाँ देके क्या कुछ भी नहीं होने वाला यार। इतने साल तुमने उनकी ही मूवीज देखी और एंजॉय भी किया है, और आगे भी आई एम डैम श्योर कि करण जौहर की मूवीज निकलती रहेंगी और तुम लोग उनकी मूवीज देखते रहोगे। सो इट हार्डली रियली मेक्स एनी सेंस। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर लेना यार, जिससे मैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहूं। एंड बहुत सालों बाद मतलब मुझे लग रहा है कि यार मैं कांस्टेंट रह पाऊंगा अपनी वीडियोस के साथ। सो आई विल बी कांस्टेंट एज पॉसिबल। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। हाँ बिरयानी। सलमान खान मुर्दाबाद, 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 अलिया भाई।